जी हम लोग बहरिया टाउन कराची प्रिसेंट 23 ए घरों के मुतासरीन हैं, जिन्होंने 8 साल पहले 4 साल शेड्यूल पे जो है पेमेंट शेड्यूल पे घर बुक कराए थे। हमने अपने जिम्मे तमाम वाजिबात अदा कर दिए हैं, 4 साल की जगह आज 8 साल गुजर गए, लेकिन बहरिया टाउन कराची इंतजामिया हमें घरों के कब्जे नहीं दे रही। सुप्रीम कोर्ट के वाजे अहकाम हैं कि फैक्ट्रीज को आप अकोमोडेट करें, उनको दें, और ऑन ग्राउंड अभी भी हज़ारों की तादाद में घर मौजूद हैं, तैयार हैं, बंद पड़े हैं, पर वो हमें देने से कासिर हैं और हमें इनकार कर देते हैं। अब ये नौबत आ चुकी है, हम पिछले 3.5 साल से पीसफुल फॉलोअप करते आ रहे हैं बहरिया टाउन कराची हेड ऑफिस के, और उसमें हम लोग तकरीबन 60 के करीब खानदान हैं, अभी भी आप देख सकते हैं माएँ बहनें हमारे साथ हैं। अब उन्होंने बहरिया टाउन इंतजामिया ने हमें पुलिस के थ्रू थ्रेट करना, धमकियाँ देना, गिरफ्तार तक हमें किया गया, हमें थाने तक पहुंचाया गया, हम पे झूठे मुकदमात किए गए कि आप अपने घर की डिमांड नहीं करें। आज हम यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब से अपील करने आए, हम कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे, हम कोई नई बात नहीं कर रहे, जो फैसला आपने दिया है उस पे अमल दरामद कराएं, क्योंकि ये लिटरली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मनपसंद आदमियों को सिफारिशी बुनियाद पर घर दिए जा रहे हैं, आम आवाम को नहीं दिए जा रहे हैं।